बिहार के लोकतंत्र की धरती पर जिनका अपना अस्तित्व और ठिकाना नहीं, वो चले हैं देश के प्रधानमंत्री बनाने। वाह, क्या कमाल है। मिलकर बैठे हैं महफिल में जुगनू सारे। ऐलाने ये है कि सूरज को हटाया जाए। INDIA, जिसका मतलब है, लोग कहते हैं इस्लामी तुष्टिकरण, नेपोटिज्म, वंशवादी, डिस्ट्रैक्टिव इटालियन एलाइंस के फ्लॉप कलाकारों को मुंबई में ऑडियंस शुरू हो रहा है। अपने रियल कैरेक्टर पर झूठ, फरेब और झांसे का मुहर लगाकर भारत की जनता को गुमराह और भरमाने का, लूटने का, उसकी गाड़ी कमाई पर डाका डालने का एक नया खेल शुरू होगा। नाना वाले फिर हाँ हाँ कह करके पलटू राम मत भूलिए कि मुंबई माया नगरी है, वहाँ आपकी कलाकारी नहीं चलने वाली है। घिसी पिटी डायलॉग से भारत की जनता को आप लोग केवल मनोरंजन दे सकते हैं, मगर राजनीतिक जनसेवा और राष्ट्रहित में आप लोग केवल एक विलेन हैं। वह विलेन जो आज़ादी के 75 वर्षों गरीबी हटाओ का नारा दिया। वह विलेन जो गरीबी के उत्थान कल्याण के लिए चारा तक चुरा लिया। वह विलेन जो जनता को भ्रष्टाचार के खाई में ढकेल दिया। वह विलेन जो समाज को जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित कर करके जातीय नरसंहार कराया। ये नहीं चलेगा। अब देश 21वीं सदी के भारत में दो दलीय व्यवस्था में जा रही है। एक दल राष्ट्रभक्त, चरित्रवान, ईमानदार और भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प ले रहा है, तो दूसरा दल जातीय जहर से समाज को लड़ाने का, तुष्टिकरण की राजनीति से देश को कमजोर करने का, भ्रष्टाचारियों, वंशवादियों की जमात बना रहा है। अब इसी पर निर्णय होगी। देश की जनता इसी पर अपना जनादेश देगा।